कि किताब मेरा जीवन है, और मैं इस जीवन को पढ़ना चाहती हूँ। मतलब आपका पढ़ने का चाव था, शौक था, तो आपने किताबों की दुकान ही लगा ली। हाँ, किताबों की दुकानें लगा ली। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी किताबें रहेगी यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। मेरी किताबें रहेगी। जो नए लेखक हैं और जो छपना चाहते हैं, मैं सभी को स्वागत करती हूँ। कई बार आना जाना हुआ और मेरी तरह आप लोग भी कई बार यहाँ से गुजरे होंगे। श्रीराम सेंटर देखा होगा, अंदर नहीं जाके तो बाहर से देखा होगा। और श्रीराम सेंटर के ठीक सामने ये संजना जी हैं, इधर जो स्टॉल लगाती हैं ये किताबों का, आप देखिए। तो संजना जी से हम बात करने जा रहे हैं, और मुझे ये पता नहीं था कि ये किताबें तो बेचती हैं लेकिन ये प्रकाशन भी है इनका, मतलब किताबें ही प्रकाशित कर देती हैं, बड़ी बात है। तो इनसे दिलचस्प बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी दो किताबें जो अभी इनके स्टॉल पे विमोचन हुआ है उनका प्रकाशन इन्होंने किया है। तो संजना जी से बात करते हैं। अपने प्रकाशन के बारे में बताइए, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो ये लगता था किताबें आप बेचती हैं, प्रकाशन भी चलाती हैं। नहीं नहीं, प्रकाशन संजना बुक्स के नाम से प्रकाशन चलाती भी हूँ, और नाटक। और मेरा मानना है कि जो नए लेखक है और जो छपना चाहते हैं, मैं सभी को स्वागत करती हूँ। और मैं युवा पीढ़ी से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो लोग हमारे साथ जुड़े, और मैं अपने प्रकाशन में सबको प्रकाशित करूँगी, खास करके नाटक वगैरह सब कुछ मैं प्रकाशित करूँगी। मैं रंगकर्मियों के लिए हूँ, और साहित्य और रंगकर्म मेरा जीवन है, तो मैं यहाँ पे बैठ करके मैं प्रकाशन करती हूँ। मतलब जो लोग जिन्हें नहीं पता है और अपनी किताबें छपवाना चाहते हैं, काफ़ी भटक रहे हैं, उनका उनकी किताबें प्रकाशित करूँगी। तो मैम जरा ये बताइए कि आप भी किताबें वगैरह लिखती हैं? हाँ, लिखती हूँ, शुरू की वो लिखना मैं भी, कविताएँ कहानियाँ वगैरह। मैं मंडी हाउस के ऊपर एक किताब लिख रही हूँ, मंडी हाउस के ऊपर। मतलब वो अभी उस पर काम हो रहा है? अभी काम चल रहा है। अभी जो किताबें आपकी आ चुकी हैं उनमें से कुछ एक के नाम बता दीजिए। मेरे यहाँ से औरंगजेब किताब आई है, हम तो वैसे ही हैं। अभी जो बिरंगना झलकारी बाई का नाटक हुआ विमोचन, और एक और मीटिंग ये अभी अभी जो विमोचन की हूँ, और फरहान अख्तर की प्रेम कहानी बाबा गिरी, कम से कम 20-25 नाटक हमने प्रकाशित कर चुकी है। और मैम आपके यहाँ जो आप ये किताबें लगाए हैं ये ढेर सारी, मैं यहाँ से गुजरा कई दफ़े हूँ और कुछ एक बार पूछने की भी कोशिश की, क्या आपके यहाँ जो किताबें कोई लेने आए तो क्या कुछ मतलब डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है? हाँ, मैं देती हूँ डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिल जाए? 10% देती हूँ डिस्काउंट, सभी पेपर वाई की रखती हूँ, और सभी पर मैं 10-15% देती हूँ डिस्काउंट। अच्छा, ये बताइए आपका ये जो स्टॉल है, बड़ा मतलब अजब गजब सा स्टॉल है, ये ऊपर पेड़ है और उसका चबूतरा है जिसपे आप बैठी हैं, और ये यहाँ पे किताबें हैं, तो आपको मतलब असुविधा नहीं होती? मतलब बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं रोज उठाती हूँ, रोज ले जाती हूँ, कोई असुविधा नहीं होती है। केवल असुविधा होती है तो बारिश से असुविधा होती है, बाकी कोई नहीं। बारिश में आप किस तरह से इंतजाम करते हैं? बारिश में तो ये हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे ही अपने गाड़ी में रख देते हैं, बच्चे फटाफट उठा करके रखवा देते हैं, और मैं कम ही किताबें लगाती हूँ बारिश में। मतलब ये जो रंगमंच? हाँ, रंगमंच, हाँ, जो बच्चे काम कर रहे हैं वो आपकी हेल्प? हाँ, वो गिनी हो गया, गिनी, जतिन, विकास बारी वगैरह, अंकित, सारे बच्चे मिलकर के हमारे रंगकर भी मदद कर रहे हैं। आपकी दुकान की टाइमिंग क्या है? ये 11:30 से 7 शाम तक, मतलब यही टाइमिंग रहती है चाहे कोई मौसम? हाँ, कोई मौसम। मतलब नाटक वगैरह होता है तो 11:00 और 9:00 रात तक ले बैठते हैं। किताबों से विशेष लगाव क्यों है आपका? मतलब क्योंकि किताब मेरा जीवन है, और मैं इस जीवन को पढ़ना चाहती हूँ। किस किस तरह से? जरा अपनी अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बता दीजिए। मेरा 10th तो 87 में हुआ था,
और उसके बाद मैं शादी के बाद 12वीं की, उसके बाद इग्नू से बीए की, मैं अभी भी पढ़ती हूँ। नहीं तो आप मतलब किताबें ही क्यों, मतलब और भी काम कर सकती थी? मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी। अच्छा। और वो ना हो सका तो मैं सोची कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ करूं, तो इसलिए मैं वो भी हिंदी साहित्य, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए मैं हिंदी साहित्य को लेकर बैठी। अच्छा, मतलब आपका पढ़ने का चाव था, शौक था, तो आपने किताबों की दुकान ही लगा ली? हाँ, किताबों की दुकानें लगा ली। पहले तो अंदर हुआ करती थी। अच्छा। उसके बाद में बाहर आ गई। अंदर से बाहर क्यों आ गई? बस बंद कर दिया गया तो मैं बाहर यहाँ लगाने लगी। तो ये ऐसे कब तक चलेगा, मतलब जब तक हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ मेरी किताबें रहेगी यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है, मेरी किताबें रहेगी यहाँ। नई पीढ़ी को संदेश बोल दीजिए कुछ। नई पीढ़ी अपने साहित्यकारों से, अपने पूर्वजों से सीखे और डटे रहे हमेशा, जो करना है अपने मन से करे, कभी हार मत माने। क्योंकि आजकल जो पीढ़ी है, अब की जो जनरेशन है, वो गूगल पे ज़्यादा निर्भर है किताबों की अपेक्षा। पढ़ने वाले तो किताब से ही पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले तो गूगल से भी नहीं पढ़ते। बहुत से लोग ऑनलाइन वर्जन ले आए हैं, ऑनलाइन किताबें सुन के, और किंडल, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो नहीं, इस तरह से ये बचा रहेगा किताबों का बाजार, इन्हीं लोगों से बचा रहेगा। नए बच्चे जुड़े इनसे, जितने भी नए बच्चे सुन रहे हैं सभी जुड़े। आई किताब, किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दीजिए, किसी को अगर अपनी पुस्तक का प्रकाशन कराना है तो उसको क्या कितना खर्च करना पड़ता है, एक आइडिया मोटा मोटी दे दीजिए। मान लो हमें 100 पन्ने की किताब छपवानी है, 20-25 हज़ार तक में हो जाता है। 20-25 हज़ार हो जाएगा पुस्तक छप के आ? हाँ, पुस्तक छप के। क्योंकि बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं रहता, वो ये भी जानना चाहते हैं कि कितना खर्च आ जाएगा, कहाँ छपवाएं। नहीं नहीं, अब हम मैं नई पीढ़ी के स्वागत करती हूँ, नाटक कविता में छपते हैं। अच्छा, जो किताबें आपके पास प्रकाशन के लिए आती है, तो पहले आप उसको ये देखती हैं कि कंटेंट किस तरह का? हाँ, मैं देखती हूँ। किस तरह का कंटेंट आप छापना पसंद करती हैं, मतलब आप जानते हैं मुझे किसी से प्यार नहीं है, सब बढ़िया हो, अच्छा हो, कि पढ़ने पठनीय हो। किताबों में तो लेखक बहुत कुछ लिखता है ना, कई बार विवादों में भी गिर जाता है लेखनी के कारण। अच्छी बात है ना, वो तो स्वतंत्र लेखन हुआ, जो मर्जी वो लिखे, लिखना चाहिए मर्यादा के दायरे में। हाँ हाँ हाँ, लिखे, स्वतंत्र लेखन है, जो मर्जी वो लिख सकता है, आजाद है। कितने के? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय दिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो संजना जी से हमने बात की और उनसे जाना कि किस तरह से उनका प्रकाशन काम करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नया लेखक, जिसे ये जिज्ञासा है कि वो कुछ जो लिखता है वो उसे छपना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए, और उसको ये आइडिया नहीं है कि छपेगा कैसा, तो वो इस वीडियो के माध्यम से जान सकता है। संजना जी, जो कि मंडी हाउस में श्रीराम सेंटर के सामने किताबों का जो स्टॉल लगाती हैं, उनसे संपर्क कर सकता है और बड़े ही कम पैसे में, कम लागत में अपनी किताबें छपवा सकता है ना। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और हाँ, संजना जी जो ये काम कर रही हैं, वाकई में बहुत प्रेरणा वाला काम है, वो कई लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, लेकिन तब मिल पाएगी जब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।